चार जी एक ही बात को तीन बार बोल चुके हैं, आपने तीन बार उनको मौका दिया और एक ही बात को तीन बार बोला था। अरे जो जो साथ आएगा, मेरे जिसको समर्थन जो जो साथ आएंगे वो होंगे, ये फैसला हम आप नहीं करते, ये फैसला आचार्य जी का। आचार्य जी तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, उनको भी पता है ये जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं। मेरी तरफ रुख मत करिए वरना भदौरिया जी को बुरा लग जाएगा। पहले भदौरिया जी की पूरी बात सुन लीजिएगा। आचार्य जी मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं बीजेपी का सम्मान किया है, हर व्यक्ति का फालतू में बुलवा रहे हैं, आदरणीय है, वो तीनों बातें रिपीट कर रहे हैं। आपका सम्मान किया मैंने, ऐसा सम्मान तो मैंने कहा कि मुझे तो शोले की मौसी याद आ गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के इकलौते बाबाजी प्रमोद कृष्णम आचार्य जी के बीच में। दरअसल डिबेट में इनके कुछ पुराने जख्म जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त के थे, जो सपा और कांग्रेस में कुछ लड़ाई हुई थी, डिबेट में इस बात का जिक्र होने लगा। इसी पर कांग्रेस के आचार्य जी ने भी अच्छे से अनुराग भदौरिया को थोड़ा सा चुटकी लेते हुए उनके साथ मजाक भी कर दिया। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाले, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ऑन कर ही लें। आचार्य जी नहीं अमीश, समाजवादी पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है और जब जब वो बीजेपी से उनकी लड़ाई हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत कष्टदायक है। और उनके साथ अखिलेश जी बाकायदा मैच देख रहे थे, उन्होंने मंदबुद्धि कहा, तो इसको कैसे हम टॉलरेट करेंगे? हमारे लीडर को, कांग्रेस पार्टी के लीडर को, सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके बारे में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और समाजवादी पार्टी चाहे कि अगर हम मान लो पांच राज्यों चार तीन राज्यों में हार गए हैं तो समाजवादी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का अहंकार खत्म हो गया हो जाएगा, तो भाई तीन राज्यों में हमने तो 40% वोट लिया, आपको कितना परसेंट वोट लिया? अगर यही पैमाना माना जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी हार गई है तो भाई समाजवादी भी हारी है। अनुराग भदौरिया बताइए आप, जो आचार्य जी ने बातें बोली आपको याद आ गई? नहीं, आपको याद आ गई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आचार्य जी एक ही बात को तीन बार बोल चुके हैं, आपने तीन बार उनको मौका दिया और एक ही बात को तीन बार बोला, तो हम लोग के पास भी आ जाते तो कुछ नया हम लोग बोल देते। तो मुझे तो मतलब आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी है, आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी है, ये कह रहे हैं। बात सुनिए, अरे अरे अब आप बात पकड़ रहे। अरे मैं आचार्य जी हमारे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैंने आचार्य जी ने पहली बार में भी वही शब्द बोले थे, दूसरी बार में भी बोले, तीसरी बार में वही बोले, तो फिर हम लोग भी तो थे तो हमसे पूछ लेते तो मैं पहले ही इस बात का जवाब देता। अरे जो जो साथ आएगा, मेरे जिसको भारतीय जनता पार्टी जो जो साथ आएंगे वो होंगे, ये फैसला हम आप नहीं करते, नहीं फैसला आचार्य जी का। आचार्य जी तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, उनको भी पता है ये जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं, पार्टी के बड़ा सम्मान कर रहे हैं लोग करते हैं, उनको बोलना, उनको बुलवाना फालतू है, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं, लड़ा रहे हो हमें, मतलब कमाल कर रहे हैं आप। आप क्यों लड़ा रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं लड़ा रहा हूँ? अरे मैं उनको क्यों लड़ा रहे हैं आप मुझे उनसे? जबरदस्ती लड़ा रहे हो आप मुझसे? अरे मैं लड़ा रहा हूँ भदौरिया जी से, पूछिए बोलेंगे मुंह भी काला मैं करवा रहा हूँ। दो सेकंड कमाल है, दो सेकंड बोलने दीजिए, मुंह काला आप करवा रहे हैं, दो सेकंड बोलने दीजिए, दो सेकंड ब्रिजमोहन जी ने कितनी अच्छी बात की है, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक बीजेपी प्रवक्ता है जिनकी भाषा शैली देखिए, ब्रिजमोहन जी क्या कहा, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, एक दूसरे प्रवक्ता है अखिलेश यादव, कमलनाथ, फलाना, ढिमका, घमंड किसको है? बीजेपी को, इसको बोलते हैं घमंडिया, ये है घमंडिया। कम से कम भाषा की शैली सीख जाए, भाषा की मर्यादा सीख जाए। जी गौरव भाटिया, ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है, देखिए भाषा की शैली सिखा रहे हैं वो प्रवक्ता जिनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने कहा अजय राय को चिरकुट नेता, राम गोपाल जी ने कहा छुटपुट नेता है कांग्रेसी। अरे अपनी भाषा शैली की बात, कांग्रेस चालू पार्टी है, कैसे बोला जाता है? गौरव शांत थे, घमंड कहां से आता है भाई? अनुराग देखिए आपने उन पे आरोप लगाया, अमीश जी ये घमंड कहां से आता है भाई, ये घमंड क्यों है भाई, क्यों आप किसी का सम्मान पूर्वक नाम ले सकते? गौरव जी आप बोलिए, व्यक्तिगत हमले करते हो, क्यों व्यक्तिगत टारगेट करते हो? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव 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 भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद, धन्यवाद।
देखिए इनको लगता है कि ये चैनल पे बैठ के और अमीश देवगन जी जैसा एंकर होगा और ये यहां पे भी गुंडागर्दी करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अमीश जी जब ये बोलते हैं ना, इनको धारा प्रवाह बोलने दिया करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनके जैसे प्रवक्ता अगर आधा घंटा बैठ जाते हैं किसी चर्चा में, 1-2 लाख वोट खा जाते हैं सपा के। और ऐसे कांग्रेसी भी कुछ गाली वाली आंटी हैं और भी हैं, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, 1-2 लाख का नुकसान करके जाएंगे। आपका बॉयकॉट किया था, आपका चैनल नंबर वन, आप नंबर वन, और जनता ने इनको लताड़ दिया। तो इसलिए अभी ये सदमे में है, इनसे कुछ मत कहिए, लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा। आचार्य जी बैठे इसलिए उठाना जरूरी है, कल की चर्चा का विषय था लेकिन आज उठा देता हूं। आप बताइए, गौमूत्र प्रदेशों में भाजपा जीती है, घमंडिया के साथी ने कहा ना, और अभी पापी आपकी प्रवक्ता भाग गई, राजेंद्र गौतम ने कहा मंदिरों में दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, दलितों को पीटा जाता है। आप मुझे बताइए हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और मैं आपको कहता हूं डंके की चोट पे, जब हिंदू सहिष्णु है लेकिन चोट की वोट की चोट देता है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। आप देखिएगा ये सपा है ना, ये अंडा आएगी। और 2024 में जैसे 2017 1 जनवरी को विद्रोह हुआ था, 2024 में भी सपा में फूट पड़ चुकी है, कलह हो चुकी है। अंदर खाने की बात बता रहा हूं, ये पार्टी फिर से टूटेगी, इसीलिए टूटेगी क्योंकि ये दूसरी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, कोई विचारधारा नहीं है, और वंशवाद की उपज है और वंशवाद की उपज ही रहेगी। जी मैं आचार्य जी का रुख करूंगा, लेकिन आप अनुराग अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, 30 सेकंड में रखिए। और जो आचार्य जी ने कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे मेरी तरफ रुख मत करिए वरना भदौरिया जी को बुरा लग जाएगा, पहले भदौरिया जी की पूरी बात सुन लीजिएगा। आचार्य जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं बीजेपी का सम्मान किया है, हर व्यक्ति इन्हें फालतू में बुलवा रहे हैं, आदरणीय है, तीनों बातें रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे तो शोले की मौसी याद आ गई, सम्मान करता हूँ, आपने बड़ा सम्मान किया है, कुछ उनको गाली आप आचार्य जी से मुझे क्यों भिड़ा रहे हो भाई, मैं अपनी बात कह लूं, मैं भिड़ा रहा हूं क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मुंह काला चला। एक सेकंड, अनुराग भाई आपको वक्त मिल जाएगा, आपने बोला आप भिड़ा रहे हो, ये मैं भिड़वा रहा हूं भाई। एक दूसरे को आप लोगों ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो करा, मैंने क्या कहा है इसके अंदर? मुंह काला कलाई विधायक कर रहा है, दिग्विजय सिंह करा रहे हैं, मैं क्या इसमें कहूंगा? कल को बोलेंगे मुंह काला कलाई आप करा रहे हो, मैं थोड़ी करा रहा हूं मुंह काला कलाई। अब मैं बोलू, किसने करा मुंह काला? अब हो गया, मतलब आप कमाल की बात करते हैं। मैं बोल लू, ये तो एक नॉर्मल, अगर मैं किसी न्यूज पेपर में काम कर रहा होता, एक तरफ फूलों की मामला दूसरी तरफ मुंह काला, हेडलाइन है ये कल की। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।